देश में कोई भी सरकार किसानों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करने वाली सरकार आज तक नहीं आई। जितनी भी सरकारें आई सभी ने गरीबों को छड़ा और किसानों को उत्पीड़न किया। ऐसा ही मामला थाना मुंडा पांडे के सहकारी समिति में कुछ लोगों की दबंगई सामने आई है। सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ स्थानीय दबंग नेताओं के साथ साथ अन्य दबंगों द्वारा सरकारी खाद का कट्टा 1175 रुपए में लेकर लोकल दुकानों पर महंगा बेचा जा रहा है। लोकल की दुकानों पर किसानों को 1350 का खाद का कट्टा मिल रहा है। गरीब किसान लाइन में लगे और नेता व बड़े किसान 1 से 50 कट्टे लेकर जा रहे हैं। वहीं सभापति से बात की तब उसने कहा कि आधार कार्ड के आधार पर खाद के कट्टे दिए जा रहे हैं। खाद के लिए लग रही है। कौन सा खाद है यहाँ पर? कब से खड़े हैं आप? सुबह से आपके टाइम हो रहा है? 11:30 बजने वाली। खाद मिलेगा आपको? आप देखो, मिला नहीं मिला, अभी तो लाइन ही लग रही है। मतलब भरोसा कुछ नहीं है? भरोसा कुछ नहीं, नहीं मिल पाया। ले लिया वही बारे। कहाँ से आए हो आप? मिलक मनकरा। क्या मामला है यहाँ पर? ये अंधेर खाता है क्या? कट्टे का ही किसी 20 जा रहा है, किसी जा रहा है, लोकल माल हो रहा है। पट्टी है, किसानों को नहीं मिल रहे? किसानों को कट्टा नहीं मिला। और वही कब से खड़े हो आप? सुबह से खड़े। सिद्धार्थनगर में भी कमल संदेश बाइक रैली निकाली गई। रैली में प्रदेश सरकार के आबकारी मंत्री जयप्रताप सिंह व सद सा जगदंबिका पाल समेत जिले के सभी विधायक व नेता मौजूद रहे। माघ मेला बांसी में कमल संदेश बाइक रैली निकाली गई। सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि जिस तरह जनता कमल संदेश यात्रा में शामिल हो रहे हैं। अब देखिए, भागीदारी जहाँ तक बात है, अपनी महिला मोर्चा में पहले से जो सशक्त कर रखी हूँ, उन लोगों तक अपनी बातें पहुँचाई हूँ। सारी महिला मोर्चा को मैं यहाँ एकत्रित की हूँ बांसी माघ मेला मैदान में, और लिस्ट मैंने जिलाध्यक्ष के पास पहुँचाया है, और महिलाओं के साथ मैं भी खुद बाइक रैली में सवार होके अभी काफ़ी भारी भरकम भीड़ में यात्रा निकालने की कोशिश करूँगी। और रही बाइक रैली से, तो मेरे ख्याल से ये 2019 के लिए एक हुंकार है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो बूथ स्तर पर अपनी रिजर्व सेनाएं बैठा के रखी हैं, उन्हें भी बांसी माघ मेला मैदान में उतारा है 2019 के युद्ध लड़। रामपुर में एक क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड हरीश रावत, जहां मीडिया से मुखातिब होते हुए 5 राज्यों में होने वाले आगामी चुनाव में कांग्रेस की दावेदारी जाहिर करते हुए हरीश रावत ने कहा कि आज जो माहौल है मुल्क का, वह कांग्रेस की तरफ है। एक बदलाव सभी में है, चाहे वह तेलंगाना चुनाव हो, उनमें दिखाई दे रहा है कि लोग कांग्रेस के पक्ष में आ रहे हैं, और हमें पूरा यकीन है कि इन समस्या जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। लोगों में प्रधानमंत्री के वादा खिलाफी के खिलाफ बहुत गुस्सा है। कौशाम्बी के डायट मैदान से भाजपा कार्यकर्ताओं ने शनिवार को कमल संदेश बाइक रैली निकाली। रैली में तीनों विधानसभा क्षेत्रों से बड़ी संख्या में युवा बाइक लेकर शामिल हुए थे। डीजे बैंड के साथ रैली निकाली गई। उत्साहित कार्यकर्ता बाइक में डांस भी कर रहे थे। सांसद विनोद सोनकर ने बाइक रैली को हरी झंडी देकर रवाना किया। रैली में तीनों विधानसभा क्षेत्रों से बड़ी संख्या में युवक अपनी अपनी बाइक लेकर शामिल हुए। लगभग सभी बूथों सेक्टरों से भी लोग बुलाए गए थे। सांसद विनोद सोनकर के मुताबिक इस संदेश रैली को निकलने का मकसद साफ है कि बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव का आगाज कर चुकी है। कमल यात्रा निकालने का मकसद क्या था? आज ये यात्रा कहां से कहां तक जाएगी? यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में 80 के 80 लोकसभा में हर बूथ से 5 बाइक निकल रही है, यानी 10 कार्यकर्ता हर बूथ से निकल रहे हैं। पूरे 1,60,000 बूथों से ये कार्यक्रम आज 17 नवंबर को पूरे प्रदेश में हो रहा है। इसमें आज यहाँ कौशाम्बी से यात्रा निकल के और मंडी परिषद पर इसका समापन होगा। इसमें आदरणीय विनोद सोनकर जी, आदरणीय लाल बहादुर जी, आदरणीय पप्पू पटेल जी, जिलाध्यक्ष जी, सभी शिरकत कर रहे हैं। और इसी तरह से ये कार्यक्रम वाराणसी में मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, चंदौली में प्रदेश अध्यक्ष जी कर रहे हैं, कौशाम्बी में मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष कर रहा हूँ, फूलपुर में डिप्टी सीएम कर रहे हैं। कारण क्या है, जनता को क्या मैसेज देना है? ये हमारा अभी 10 तारीख से 15 तारीख का बूथ अभिनंदन
कार्यक्रम चल रहा था, बूथ समितियों का अभिनंदन चल रहा था। उसके बाद ये बूथ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो पूरे देश में मोदी जी के विकास के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक जन जागरण का कार्यक्रम है, अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का कार्यक्रम है और 2019 सामने है उसको लक्ष्य भेदने का कार्यक्रम है कि हमारे आगे किसी विपक्षी दल का कोई कार्यक्रम टिक नहीं पा रहा। भारतीय जनता पार्टी जो सोच है वो देश की दिशा होती। कौशाम्बी जिला अदालत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जानलेवा हमले के आरोपी फूल सिंह को 7 साल की कैद के साथ 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सैनी के धतई का पूर्वा कोरिया गांव में 23 साल पहले हुए जानलेवा हमले के आरोपी को सुनवाई के बाद दोषी पाया है। पूरा मामला सैनी थाना इलाके के कोरियो गाँव के माजरा धतई का है, जहाँ के रहने वाले वासुदेव यादव ने एक शीशम का पेड़ काट लिया था, जिसके विवाद में आरोपी मुस्लिम फूल सिंह ने वासुदेव यादव पर जान से मारने के इरादे से तमंचे से गोली मार दी थी। जो सजा 307 में कोर्ट ने सुनाई है, क्या मामला था, इसमें क्या सजा सुनाई गई है? शीशम का पेड़ जो है धतई के पूर्वा गांव का मामला है, शीशम का पेड़ काट लिया था, उसने मना किया तो उसको कट्टे से फायर करके उसको चोटें पहुंचाई, जिसमें माननीय न्यायालय में 4 गवाहियां पेश हुई, न्यायालय ने उसको दोषी पाया